हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग कर रहे थे एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर हमने काफी सारी प्रैक्टिस इसमें कर ली थी और अभी है ना कुछ एक दो सेशन इसके और लगने वाले हैं। इसके बाद जो हमारी एम्बेडेड फिगर्स की जो थॉरो प्रैक्टिस है ना वो हो जाएगी है ना। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए है ना शुरू करते हैं बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फिगर ये क्वेश्चन फिगर, ठीक है आंसर फिगर्स की तरफ चलते चलिए नेक्स्ट। ठीक है
नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक ये सवाल पूछा गया है एसएससी कांस्टेबल, एसएससी कांस्टेबल 2014। कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन फिगर में एक फिगर देके रखा है, कह रहे हैं फाइंड आउट करो कि भाई ये वाला जो फिगर है ना किस में देके रखा है, किस वाले फिगर में ये वाला फिगर देके रखा है, इसमें है या इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि भाई कौन सा वाला फिगर जो है इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहला ये फिगर है ना, ये वाला स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी। चलो चारों में बात नहीं बन रही है। अब देखो ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, ट्राइंगल इसमें भी है, ट्राइंगल इसमें भी है, ट्राइंगल इसमें भी, ट्राइंगल इसमें भी, नहीं बन रही बात। ठीक है, ट्राइंगल के पीछे क्या लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल के पीछे तीर, ट्राइंगल के पीछे तीर नहीं, बीच में पूरा निकला हुआ है, ट्राइंगल के पीछे लाइन लगी हुई है। तो अगर मैं इसको करूं तो ये ऑप्शन बी में जो है फिगर हमें ये दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी में फिट इन हो रहा है, तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फिगर, ठीक है, क्या है क्वेश्चन फिगर? ये देके रखा हो आंसर फिगर।
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ए बी सी डी। और ये सवाल पूछा गया है आरआरबी जीडी 2013 में। आर आर बी जीडी 2013। जीडी 2013 ठीक है। चलिए हमें सब ये वाला फिगर ढूंढना है, इन कौन से फिगर में जो भी निकलेगा उनमें से ढूंढना है। तो सबसे पहले दो पैरेलल लाइन, तो दो पैरेलल लाइन मिल गई इसमें, ठीक है, इसमें भी मिल रही है, ठीक है, इसमें नहीं मिल रही, तो ये तो फॉर श्योर नहीं होगा, इसमें भी मिल रही है, ठीक है, इन तीनों में पैरेलल लाइन हमें मिल रही है देखने को, ठीक है। पैरेलल लाइन के अंदर एम है ना, इधर से भी एम है ना, मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, इस तरह से भी एम और इस तरह से भी एम। इस तरफ से तो ये एम मिल गया है बट इस तरफ से नहीं मिल रहा है तो गलत है। इधर देखें, इसमें इस तरफ से एम मिल रहा है एम, ठीक है, और इस तरफ से भी एम देखने को मिल रहा है, तो ये जब जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल है, कुछ है नहीं इनमें, है ना, बेकार का शोर बस इनका रहता है, देखने में क्वेश्चन डरावने लगते हैं कि भाई हाँ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है, बट इन क्वेश्चन में एक्चुअली में कुछ है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फिगर में क्या लेके रखा है, इस तरह की आकृति दी हुई है आंसर फिगर्स। एक दो तीन
पहला ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन चलता है। बी सी और डी, यूपी SSSC 2015, यूपी SSSC 2015। यूपी SSSC 2015 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब हमें ये आकृति दी, तो देखो इधर भी एम मिल रहा है, बन रहा है, ये एम बन रहा है, और ई किधर भी एम बन रहा है, दोनों एम, तो इधर दोनों तरफ एम है। चलो ये ठीक है, इसमें भी दोनों तरफ एम बन रहा है, इसमें भी दोनों तरफ एम बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन रेस से बाहर हो गया। ठीक है, तीन में एम बन रहा है। अब इन एम के बीच में एक लाइन है, एम दोनों एम लाइन के थ्रू कनेक्ट हुआ है, तो क्या ये दोनों एम के थ्रू कनेक्ट हो रहा है? नहीं, तो ये गलत हो जाना है। एम के बीच में कोई लाइन है? नहीं, गलत। एम के बीच में कोई लाइन है? हाँ जी, ये है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में? कुछ है नहीं इनमें, देखो है कुछ, केवल आपको फिगर को ढंग से एनालाइज करना है, ठीक है, और क्वेश्चन आपका हो जाएगा एनी हाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन फिगर्स, आंसर क्या
दो चार, चलिए। चौथा, ए बी सी और डी, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2013 में। एसएससी सीपीओ 2013, ठीक है। क्या है? बाई है, एक बाई ढूंढ रहा है। तो इसमें क्या बाई मिल रहा है? नहीं, इसमें बाई मिल रहा है। यस, इसमें बाई मिल रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल है, कुछ नहीं है इन सवालों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन ये क्वेश्चन फिगर दे के रखा है।
आंसर। ठीक है, ए बी सी और डी। और ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2014 में। एसएससी सीजीएल 2014। एसएससी सीजीएल 2014 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्या है इसका? अब देखो, आराम से ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले ढूंढना है ना ऐसा बाई। अगर हमें एक ऐसा बाई मिल जाए देखने को तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो इसमें कहीं बाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं बाई दिख रहा है? नहीं। इधर से देखें तो हाँ जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर बाई दिख गया उसके बाद हमें क्या देखना है? ये देखना है। ठीक है, उसके बाद तो मिल गया इसी में, है ना? तो आंसर बी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होता इन सवालों में, बहुत सिंपल एंड इजी सवाल होते हैं। ठीक है, बस खाम खा का एक सिर दर्द लगता है कि भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत टफ, बहुत सिंपल सवाल है ये। ठीक है, तो अभी हम इसमें एक सेशन और करेंगे। एक सेशन के बाद हमारा जो एम्बेडेड फिगर्स है ना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है,
तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।